आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरे टॉप 10 क्राइम थ्रिलर को ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। मेरे इस चैनल पे मूवी थ्योरी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मेरे टॉप 10 या टॉप 5 काउंटडाउन भी आप लोगों को पसंद आ रहा है, इसके लिए डायरेक्ट दिल से शुक्रिया। अगर आप उस वीडियो को मिस कर गए हो तो मैंने आई बटन पे दे दिया है, प्लीज एक बार चेक कर लेना। आज मैं ऐसे ही टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज को लेके बात करूंगी विच आर स्ट्रीमिंग इन OTT प्लेटफॉर्म। तो एज यूजुअल शुरू करने से पहले तो काउंटडाउन शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने लिस्ट से सेक्रेट गेम्स, मिर्जापुर, ब्रीद इन तीनों सीरीज को दूर रखी हूँ। ये सीरीज अपने आप ही लेजेंड बन गया है जिसका शायद ही कोई काउंटडाउन की जरूरत है। हमारे लिस्ट पे नंबर 10 पे है हसमुख। इसका जॉनर है क्राइम एंड डार्क कॉमेडी। एक स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन का परफॉर्मेंस तभी आउटस्टैंडिंग होता है जब वो स्टेज में उठने से पहले किसी का खून करता है। ये है इस सीरीज का कॉन्सेप्ट। ये सीरीज मुझे अच्छा मेनली लगा है दो चीजों के लिए। पहला है इसका जॉनरा जो है डार्क कॉमेडी विथ क्राइम, बिकॉज बॉलीवुड में ऐसा जॉनरा का मूवी या सीरीज ज्यादा मिलता नहीं है। सेकंड है एक्टिंग। वीर दास, रणवीर सोडी, रवि किशन जैसे एक्टर हो तो ऑब्वियसली एक्टिंग तो अच्छा होगा ही, लेकिन सीरीज में कुछ कुछ जगह पे थोड़ा रिपीटेटिव लगेगा आपको। इसका IMDb रेटिंग है 5.3 एंड ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। हमारे लिस्ट पे नंबर 9 पे है दिल्ली क्राइम्स। ये ड्रामा सीरीज है। दिल्ली गैंगरेप केस मतलब निर्भया केस का इन्वेस्टिगेशन को बेस करके ये सीरीज बनाई गई है। ये सीरीज देखने से दिल्ली NCR का घिनौना रूप आपको दिख जाएगा। शेफाली शाह एंड रसिका दुग्गल आर आउटस्टैंडिंग। इसका IMDb रेटिंग है 8.5 और ये रॉटन टोमेटोज में 93% फ्रेश है। ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। हमारे लिस्ट पे नंबर 8 पे है कोडिन। ये एक मिस्ट्री सीरीज है। ग्रेट पावर शुड कम विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये पावर करप्शन को भी साथ लेके आते हैं और करप्शन तो वर्दी का रंग नहीं देखता। एक आर्मी ऑफिसर के फेक एनकाउंटर का केस सुलझाते टाइम कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ये केस की मिस्ट्री सुलझाते हुए कुछ ऐसा चीज सामने आता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। जेनिफर विंजेट की पहली वेब सीरीज है और एज यूजुअल सी हैज डन अ ग्रेट जॉब। इसका IMDb रेटिंग है 7.8। ये सीरीज आपको ओल्ड बालाजी में मिल जाएगी। हमारे लिस्ट पे नंबर 7 है असुर। इस सीरीज में दो फॉरेंसिक एक्सपर्ट एक सीरियल किलर को चेस करता है जो अपना रिलीजियस बिलीफ के बेस से मर्डर कर रहा था। सीरीज में पैरेलली दो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी गुड एंड इविल को एक साथ दिखाई गई है जिससे जस्टिस और इनजस्टिस का मीनिंग ही पूरा बदल जाता है। इस सीरीज में बहुत सारे हिडन डिटेल्स हैं जो कि आपको ध्यान से देखने से ही पता चलेगा। सीरीज का प्लॉट और एक्टिंग ही इसका प्लस पॉइंट है। इसका IMDb रेटिंग है 8.4। ये डार्क क्राइम थ्रिलर सीरीज है। हमारे लिस्ट पे नंबर 6 पे है द फैमिली मैन। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का एक फील्ड ऑफिसर अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को कैसे बैलेंस करके देश के लिए अपना ड्यूटी बाखूबी से निभाता है, ये है इस सीरीज की कहानी। इस सीरीज में आपको हर टाइप का मसाला मिल जाएगा जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग है। मनोज वाजपेयी के बिंदास एक्टिंग और डायलॉग इस सीरीज का प्लस पॉइंट है। इसका IMDb रेटिंग है 8.6। ये स्पाई थ्रिलर सीरीज है। ये आपको प्राइम वीडियोस में मिल जाएगी। हमारे लिस्ट पे नंबर 5 पे है पाताल लोक।
दिल्ली एनसीआर की एक और मुखौटा खोलने वाली वेब सीरीज है ये। एक डेस्परेट पुलिस ऑफिसर के हाथों एक हाई प्रोफाइल केस आ जाता है, जिसके जरिए वो समाज की गंदगी और दिल दहला देने वाली सच का सामना करता है। एक ब्रिलियंट सीरीज जो आपको मानो रोलर कोस्टर राइड करवाएगी। इसका IMDb रेटिंग है 8.1, ये रोटेन टोमेटोज में 90% फ्रेश है। ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। ये सीरीज आपको प्राइम वीडियोस में मिल जाएगी। हमारे लिस्ट पे नंबर 4 पे है द फॉरगॉटन आर्मी। खुद की एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। व्हेन आई वाज इन दिल्ली एनसीआर, मेरे एक कोलीग ने मुझसे पूछी थी व्हाई बंगाली पीपल आर सो मच इमोशनल अबाउट 23rd January। आई रिप्लाई कि किसी भी बंगाली से ये दोबारा मत पूछना। चलो उसे तो फिर भी डेट पता है, पर 99% को तो नेताजी का बर्थडे तो क्या उनका पूरा नाम ही नहीं पता। ये दिन हर एक ट्रू बंगाली के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। ये दिन एक ऐसे फ्रीडम फाइटर से जुड़ा हुआ है जिनका कुर्बानी ना अदर स्टेट के इनहेबिटेंट कभी जानने की कोशिश किया है और ना ही कभी जान पाएंगे। इस दिन एक ऐसे लीडर का जन्म हुआ था जिसका डिसअपीयर हो जाना अब तक का सिर्फ इंडिया में नहीं, वन ऑफ द अनसॉल्व पॉलिटिकल मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने खुद के दम पे पूरा एक फौज खड़ा कर दिया था अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी, और इंडिया को फ्रीडम दिलाने में सबसे बड़ा रोल इनका ही था। आज़ाद हिंद फौज के बनाने की हिस्ट्री को लेकर बनाई गई ये सीरीज का अब तक सिर्फ एक ही सीजन निकला है। सच मानो ये सीरीज देखते टाइम आपको भी गूज़बम्प्स आ जाएंगे। इसका IMDb रेटिंग है 8, ये आपको प्राइम वीडियोस में मिल जाएगी। हमारे लिस्ट पे नंबर 3 पे है स्पेशल ऑप्स। 2001 में इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर हुई टेररिस्ट अटैक का मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए रॉ का ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड है ये सीरीज। दुनिया के हर कोने में छुपी हुई इंडियन स्पाई कैसे इस मिशन को कामयाब करते हैं, ये है इस सीरीज का प्लॉट। क्रिएटर नीरज पांडे को दाद देनी पड़ेगी उनकी होमवर्क के लिए। एक सीरीज बनाने के लिए लास्ट 2 decades का जितना भी अंडरकवर ऑपरेशन हुआ है उसका रेफरेंस डालना सच में काबिले तारीफ है। कहानी में इतने सारे ट्विस्ट है कि आप कोई भी हॉलीवुड थ्रिलर के साथ कंपेयर कर सकते हो। ये सीरीज क्लास एक्टर के मिनन का शायद बेस्ट परफॉर्मेंस है। इसका IMDb रेटिंग है 8.6, ये एक थ्रिलर सीरीज है एंड ये आपको डिज्नी हॉटस्टार में मिल जाएगी। इस काउंटडाउन के 2 और 1 नंबर पे मैंने ऐसे 2 सीरीज को रखा है जिसके साथ आप खुद को रिलेट कर पाओगे। हम सब वैसे ही सीरीज को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं। इन दोनों का सिंप्लिसिटी ही इनका पहचान है। नंबर 2 पे बेझिझक मैं रखूंगी पंचायत को। इंजीनियरिंग पास करने के बाद कैंपस इंटरव्यू में ड्रीम जॉब ना पाके अभिषेक एक ब्लॉक का एज ए पंचायत सेक्रेटरी ज्वाइन करते हैं और एक बहुत ही रूरल विलेज में उसका ट्रांसफर हो जाता है जहां दिन में 12 घंटे बिजली रहना भी बहुत है। कहां बड़े बड़े MNC का ड्रीम जॉब और कहां अनपढ़ गवार गांव वालों का एक कमरे का एक पंचायत ऑफिस। इस फ्रस्ट्रेशन से खुद को संभालना और आगे बढ़ना, ऐसे स्ट्रगल को शायद जितेंद्र कुमार से बेहतर कोई कर ही नहीं पाता। हैट्स ऑफ टू द क्रिएटर ऑफ दिस सीरीज जिसने इस टॉपिक के ऊपर कॉमेडी का तड़का लगा के पेश किया है। इसका IMDb रेटिंग है 8.8, ये आपको प्राइम वीडियोस में मिल जाएगी। हमारे लिस्ट पे नंबर 1 पे है ये मेरी फैमिली। समर इज नॉट अ सीजन, इट्स अ फेस्टिवल, ये है इस सीरीज का कैच लाइन। एक वर्ड में 80s और 90s किड्स का नॉस्टैल्जिया है ये सीरीज। उस टाइम पर हम लोग वैकेशन में जैसे अपने फैमिली के साथ जो मस्ती करते थे, पढ़ाई के नाम से डरते थे, किसी पे इन्फैचुएट होते थे, भाई बहन के साथ जो शरारत करते थे, पेरेंट्स के नाक में दम करके रखते थे,
ये सब आपको इस सीरीज में मिल जाएगा। इस सीरीज में आप भी अपने बचपन को देख पाओगे। आई एम श्योर ये सीरीज आपको नॉस्टैल्जिया के सागर के बीचों बीच लेके खड़ा कर देगा कि आप भी नॉस्टैल्जिया के सागर में बह जाओगे और जहाँ से आप कभी लौट के आना नहीं चाहोगे। ट्रस्ट मी, सीरीज में ना कोई ट्विस्ट है, ना कुछ गहराइयाँ हैं, ना कोई भारी भरकम मैसेज है, सिर्फ हैप्पीनेस है जो कि शायद इस घिसी पिटी और रैट रेस की जिंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका लेके आएगा। ये सीरीज एक इमोशन है। इसका IMDb रेटिंग है 9.2 और ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। मैंने अपने हिसाब से ये रैंकिंग बनाया है। मेरी तो फेवरेट है ये मेरी फैमिली। तो आपका फेवरेट कौन सा है बताना ज़रूर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।